जयपुर का रहने वाला करण कॉलेज में फाइनल ईयर में पढ़ता था। वैसे तो उसके पीछे बहुत लड़कियां थी, लेकिन उसे अपने ही क्लास की लड़की तारा से प्यार था। पहले दोनों में फ्रेंडशिप हुई और धीरे धीरे बात शादी तक जा पहुंची, लेकिन घर वाले शादी के लिए राजी नहीं हुए तो अब उन्हें एक ही रास्ता दिख रहा था, भागकर शादी कर लेना। और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। अब तारा की और अपनी सारी जिम्मेदारी खुद करण को ही उठानी थी, तो उसने अहमदाबाद की एक कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली। उन्हें रहने के लिए घर की तलाश थी। बहुत खोजने के बाद उन्हें एक फ्लैट किराए पर मिला। उन्होंने 10वें माले का फ्लैट चूज किया क्योंकि ऊपर होने के कारण वह बाकी मालों से सस्ता था। दोनों ने फ्लैट को अपने सपनों के घर की तरह सजाया। दीवार पर पेंटिंग्स, कॉलेज की यादें ताजा करती कुछ तस्वीरें भी दीवार पर थी। फ्लैट का सबसे खूबसूरत हिस्सा था बालकनी, क्योंकि वहां से ठंडी हवाओं के बीच पूरे अहमदाबाद का नजारा दिखता था। तारा और करण का हर शाम बालकनी में बैठे कॉफी पीना किसी कैंडल लाइट डिनर से कम नहीं लगता था। वैसे तो बिल्डिंग नई ही बनी थी तो ज्यादातर फ्लैट खाली थे, लेकिन सामने की बिल्डिंग में एक लड़की रहती थी, गरिमा। वो भी हर शाम बालकनी में आया करती थी। उससे कभी कभार हाय हेलो हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अच्छी जान पहचान हो गई। साथ में डिनर करना या बाहर जाना भी हो जाता था। गरिमा का फ्रेंडली नेचर करण को अच्छा लगता था। आखिर उन्हें इस अनजान शहर में कोई तो साथी मिला। लेकिन एक दिन गरिमा की मैट की चीख ने सुबह का सन्नाटा तोड़ा। हड़बड़ी में सारे लोग फ्लैट में इकट्ठे हो गए। करण और तारा भी पहुंचे और लोगों की भीड़ को हटाकर देखा तो गरिमा की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी थी। जिसमें थे कुछ लाल रंग में रंगे नींबू, आधी जली मोमबत्ती, काले कपड़े में बंधे अनाज के दाने और एक मरी हुई बिल्ली जिसका पेट फटा हुआ था। देखकर लग रहा था कि कोई तंत्र टोटका कर रहा हो। और गरिमा के गले पर एक अजीब सा निशान भी था जो लग रहा था जैसे कि किसी गर्म चीज से गोद कर बनाया हो। करण ये सब अचंभित देख रहा था कि तभी पीछे से बिल्डिंग का गार्ड बोला, ये जरूर काली साधना में हुई भूल का नतीजा है, लेकिन अच्छा है मर गई, वरना क्या पता हम पर क्या क्या मुसीबतें आती। कोई उसे कोस रहा था तो कोई भावनाएं व्यक्त कर रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो गया। आखिर इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग कब तक ही याद रखेंगे। लेकिन करण और तारा इस घटना से काफी शॉक में थे क्योंकि गरिमा काफी करीबी लोगों में से थी। लेकिन उन दोनों के जीवन में खुशियों की लहर तब आई जब करण घर आते ही तारा को गोदी में उठाकर बोला, तारा तारा तारा, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे अरे अरे, अब बताओगी भी? मेरा प्रमोशन हो गया है, वो भी सीधा मैनेजर पोस्ट पर। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन प्रमोशन होने पर करण के काम का भी प्रमोशन हो गया। एक दिन करण देर रात तक लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी थोड़ा मूड फ्रेश करने के विचार से करण कॉफी मग लिए बालकनी में खड़ा आते जाते ट्रैफिक को देख रहा था कि तभी उसकी नजर सामने की बालकनी पर पड़ी जहां सिर झुकाए कोई खड़ा था। करण ने एक नजर फिर से देखा तो वहां गरिमा खड़ी थी और उसकी कटी कलाई से खून बह रहा था। उसे देख करण मानो जैसे जम सा गया कि तभी एकाएक खून से लथपथ हाथ से उसने करण की ओर इशारा किया। बहुत हिम्मत जुटाकर करण ने पीछे देखा
तो वो उसके ठीक सामने खड़ी थी। करण कॉफी मग वहीं फेंक कर चिल्लाता हुआ अंदर भागा। तारा, तारा, तारा! करण, करण क्या हुआ? क्या हुआ करण? करण ने सामने की बालकनी की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, गरिमा, गरिमा को देखा मैंने, मैंने गरिमा को। लेकिन तारा ने देखा तो वहां कोई नहीं था। वहां थी और वो गरिमा ही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। करण, करण शांत हो जाओ, शांत हो जाओ करण, वहाँ कोई नहीं है। तुमने काम की कुछ ज्यादा ही टेंशन उठा रखी है। तारा ने एक हाथ से लैपटॉप बंद करते हुए कहा, अब चलो सोने, बहुत हो गया काम। और तारा ने करण को सुला दिया। लेकिन उस दिन के बाद से ऐसी अनजान घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। एक रात करण सो रहा था कि तभी उसे अपने ऊपर किसी के होने का एहसास हुआ और कुछ देर बाद वह चेहरे पर किसी के सांसों को महसूस कर रहा था। डर के कारण उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी, लेकिन किसी तरह उसने हिम्मत करके जैसे ही आंखें खोली तो उसके ठीक सामने गरिमा का भयानक चेहरा था। करण चीख के साथ खड़ा हो गया, लेकिन उसने दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे बुरा सपना समझकर वो बाहर टहलने निकल आया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बालकनी की तरफ पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां ठीक वैसा ही गोला बना था जैसा गरिमा की लाश के पास था। करण ने तारा को जगाया। उस गोले को देख तारा बहुत ज्यादा डर गई। पक्का कोई हम पर काला जादू कर रहा है। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है करण। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं करता हूं कुछ, जाओ तुम सो जाओ। अगले ही दिन करण ने ऑफिस से छुट्टी ली और एक ओझा को घर ले आया। आते ही ओझा ने उसी लाल घेरे के सामने उसने एक सफेद घेरा बनाया और घेरे के बीचों बीच एक आटे की गुड़िया को रखा, साथ में मोमबत्ती, इत्र की बोतल, काले चने और एक माला लेकर ओझा घर में बैठ गया। एक तसली में धूप जलाकर पास रखे चाकू से हाथ काटकर खून की बूंदे आटा की गुड़िया पर गिराने लगा कि तभी एकाएक तारा खड़ी हो गई। और गुस्से से चिल्लाते हुए चाकू ओझा के पेट में घोंप दिया। ओझा किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। तारा के हाथ से चाकू गिरा और वो बेहोश हो गई। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया तो पश्चाताप करती तारा बोली, करण, करण, ये मेरे से क्या हो गया करण? कोई बात नहीं तारा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब हम यहां से बहुत जल्दी चले जाएंगे, बस एक बार मेरे ट्रांसफर की बात हो जाए, है ना, बस कुछ दिनों की बात है। और उन्हीं कुछ दिनों में उसी बिल्डिंग में रहने वाली स्वाति की बाथरूम में शॉक लगने से मौत हो गई। हालांकि स्वाति की मौत दिखने में तो एक हादसा ही लग रही थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उसके गले पर भी ठीक वैसा ही निशान था जैसा गरिमा के गले पर था। अब करण ने सोच लिया था कि अब वह एक दिन भी यहां नहीं रुकेगा और फ्लैट में जाकर सामान पैक करने लगा। तभी टेबल पर रखा पानी का गिलास
उसके हाथ से नीचे गिर गया और गिलास उठाने के लिए करण जैसे ही नीचे झुका तो फैले हुए पानी में गरिमा का साया देखा। उसने ऊपर देखा तो वो उसे उसकी धसी काली आंखों से एक टक देख रही थी। करण ने बहुत हिम्मत समेट के बोला, अरे चाहती क्या हो तुम? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? अगर जीने नहीं देना है तो मार ही दो हमें, परेशान हो गया हूँ मैं। करण के इतना कहने के बाद भी वो बस उसे देखे जा रही थी। कुछ देर बाद गरिमा की आत्मा ने नसकटे हाथ से करण के पीछे लगी बुकशेल्फ की तरफ इशारा किया। करण झट से उठा और बुकशेल्फ की बुक एक एक कर खंगालने लगा। खोजते खोजते करण का हाथ एक लाल कपड़े में लपटी बुक पर पड़ा। करण ने खोल के देखा तो बुक पर लिखा था प्रेत साधना। करण को यह बहुत अजीब लगा क्योंकि उसने कोई ऐसी किताब नहीं खरीदी थी और उस लाल कपड़े से उसे इत्र की खुशबू आ रही थी जो इत्र तारा लगाती थी। उसने किताब के पन्ने पलटना शुरू किया तो उसमें ठीक वैसा ही तंत्र गोला भी था जो उसने पहले देखा था। यह सब देखकर करण को एकाएक झटका सा लगा और तभी तारा कमरे में आ गई। उसके हाथ में किताब देख वो समझ गई थी लेकिन फिर भी उसने बात बदलने के विचार से कहा, क्या हुआ करण? तुमने अभी तक पैकिंग नहीं की, हमें चलना नहीं है क्या? करण ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, तुम ये सब क्या कर रही हो? हमारे लिए करण, अपनी खुशियों के लिए। कैसी खुशियाँ? जैसे तुम्हारा प्रमोशन, काली शक्तियाँ हमें सब कुछ दे सकती हैं, बस उसके लिए हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है और अभी तो ये शुरुआत है, इसके बाद हमारे पास सारे ऐशो आराम होंगे। करण, तुमने गरिमा और स्वाति को क्यों मारा? वो दोनों तो मेरे शैतान को खुश करने के लिए एक छोटी सी भेंट थी, और वैसे भी गरिमा तुमसे कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी, और स्वाति और तुम्हारे बीच ऑफिस में क्या होता है वो सब मुझे पता है, इसलिए तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगी। Because I love you. I love you, Karan. I love you so much. I love you. 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 दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगा। और करण किताब लेकर रूम से बाहर की तरफ भागा कि तभी उसका पैर सोफे के नीचे किसी से टकराया और वो गिर पड़ा। उसने पलटकर देखा तो वहां तारा की लाश थी। क्या? तारा भी मर चुकी है? तभी एकदम से करण का ध्यान गया कि उसने कभी किसी को तारा के बारे में बात करते नहीं सुना था, और शायद इसीलिए ही गरिमा और स्वाति उसके नजदीक आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि करण अकेला रहता है। असल में तारा की काला जादू करते वक्त ही मौत हो चुकी थी क्योंकि वो शैतान को नरबली भेंट नहीं कर पाई थी। उसके बाद करण के प्यार में पागल तारा की आत्मा ने उसे दबाने के लिए गरिमा और स्वाति की बलि चढ़ा दी। यह सब जानकर करण पर बेहोशी सी छाने लगी और डर और सदमे के मारे उसकी सांसें उखड़ रही थी। खुद को घसीटते हुए करण बालकनी में गया कि तभी अचानक तारा उसके सामने आ गई और करण चीखता हुआ बालकनी से नीचे गिर गया। I love you, करण! I love you, करण!